गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार ने जरूरतमंदों को गुरुवार को पूरे नागपुर शहर में फ्री रेडी टू ईट फूड वितरित किया। इसे यह संदेश जाता है कि जो मजहब के बैरियर थे वो खत्म हो रहे हैं। वाहे गुरु दा खालसा ते वाहे गुरु दी फतेह। इसी तर्ज पर गुरु गोविंद जी की परंपरा को बरकरार रखते हुए गुरुद्वारा के सेवा कर्मियों ने शहर के सभी जरूरतमंदों को रेडी टू ईट फूड पैकेट्स बांटे। कल से सभी अनुयायी इसी काम में लगे थे ताकि आज सभी लोगों को यह खाना वितरित किया जा सके। पहले तो तय किया गया था कि 5 से 7 किलोमीटर तक के लोगों में ही यह फूड पैकेट्स बांटे जाएंगे, किंतु जब फ्री फूड पैकेट्स के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए गुरुद्वारा को दूर दूर में रह रहे जरूरतमंद लोगों के बारे में खबर दी, जिन्हें भी फूड पैकेट्स दिए गए। देश में आई इस महामारी में इनकी यह सेवा एक सामाजिक संदेश भी दे रही है। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे अभी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी से हिंदुस्तान गुजर रहा है, और जो हमारी सिख परंपराएं हैं, जो कुछ हमारा रिचुअल्स हैं कि जब भी कोई ऐसी आपदा कभी बनी, कभी इंसान पे, कभी किसी देश पे, कहीं पे भी, तो सिखों ने हमेशा पहल की है, और आज भी इसी चीज़ को, इसी ट्रेडिशन को निभाते हुए आज हम पहल कर रहे हैं। नागपुर के अंदर में जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको फ्री रेडी टू ईट फूड हम दे रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में अभी कल से हम लोगों ने तैयारी की है, और ये सारी चीज़ें गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार की सरपरस्ती के नीचे हो रही है, उनके वॉलंटियर्स ही कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में हमने तो शुरुआत की थी कि अपने जो इन एंड अराउंड 5-7 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो दायरा है अपने गुरुद्वारे के आसपास, उसको मुख्य रूप देखते हुए हमने किया था, पर अभी नागपुर के हर कोने से हमको आ रही है। और दूसरी एक चीज़ बात आ रही है कि हर मज़हब, हर धर्म की तरफ से आ रही है, और एक बहुत बड़ा एक संदेश भी जा रहा है, यहाँ मज़हब के जो बैरियर्स थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, प्यार और इखलाक तक वो नज़र आ रही है, जिसके कारण जो चीज़ें हमारी बढ़ रही थी वो फिर इकट्ठा हो गई हैं। तो ये गुरु नानक घर की एक बड़ी विशेषता है कि हमने जात धर्म वर्ण के अंदर में कभी भी किसी चीज़ को नहीं बांटा। हमें सिर्फ फ़ोन आता है, हम पूछते हैं कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, लोकेशन भेजते हैं, उनका नाम नोट करते हैं और वहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। लोगों की जात पात का अंतर भूल सभी को गुरुद्वारा के अनुयायियों द्वारा मदद की जा रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये गुरु नानक दरबार की तरफ से पहल की गई है कि जो भी बाहर से आए हैं या जो भी जिनको आज खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग खाना प्रोवाइड करें। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे नागपुर के अंदर में हम लोग जो भी, जिनको भी तकलीफ आ रही है, वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उन तक खाना पहुँचा रहे हैं। जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो बाहर से आए हुए हैं, आज उनकी मेस वगैरह बंद हो गई हैं, उनको खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। उन लोग बेचारे 3 दिन से 4 दिन से अपने कॉलेजेस में, अपने हॉस्टल्स में भूखे बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उन लोग को भी खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। तो हम उन सब का ध्यान रखते हुए, हम लोग कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कौन भूखा है उस तक खाना पहुँच जाए। तो हमारी यही कोशिश है, आप भी जितना हो सके सबको ये बताइए कि गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में ये लंगर व्यवस्था की गई है। अगर किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9992312005। कोरोना वायरस ने जिस तरह से जड़ जमा लिया है, इस महामारी के चलते पूरे देश में 21 दिनों के लिए संचार बंदी कर दी गई है, अर्थात कोई भी कहीं आ जा नहीं सकता। सारे निजी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं, केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति कहीं आना जाना नहीं कर सकता, और व्यवसाय की बात तो फिर दूर की है, किंतु जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए यहाँ 21 दिन बेहद कठिन होंगे। ऐसे में गुरु नानक दरबार ने पहल की है और यह पहल सराहनीय है। इस कार्य में दरबार के जसमीत सिंह भाटिया, कमलजीत सिंह चौहान, रविंद्र सिंह और अन्य सेवा कर्मियों का योगदान सराहनीय है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दीपिका धनेश्वर, NBCN न्यूज, नागपुर।